वहीं नगरपालिक निगम भिलाई के वार्ड 15 विवेकानंद नगर के रहवासी इन दिनों खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके क्षेत्र के लेआउट में दिखाई गई रिक्त भूमि को अब सपाट कर बेचने का प्रयास किया जा रहा है। भिलाई क्षेत्र में इसके पहले भी कई ऐसे प्रकरण देखने को मिले हैं, जिसमें कॉलोनाइजर द्वारा आम जनमानस को अंधेरे में रखकर और सब्ज बाग दिखाकर प्लॉट बेच दिए गए और बाद में उसी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के नक्शे को गलत ठहरा दिया जाता है, जिसमें क्षेत्र में बाग बगीचे और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दिखाई जाती हैं। ऐसा ही एक मामला विवेकानंद नगर वार्ड 15 में देखने को मिला है, जहां क्षेत्रवासियों को एक खुली जमीन दिखाई गई थी और कहा गया था कि इस पर पार्क, स्कूल या मंदिर का निर्माण किया जाएगा। पूरी जमीन बिक जाने के बाद अब भूस्वामी द्वारा इस रिक्त पड़ी भूमि पर भी प्लॉट काट कर बेचा जा रहा है, जिसका विरोध विवेकानंद नगर वासियों ने करते हुए शासन प्रशासन को इसकी सूचना दे दी है और भूस्वामी द्वारा किए गए वादे को निभाने की मांग कर रहे हैं। विवेकानंद नगर वासियों ने न्यूज टीम को जानकारी देते हुए बताया कि यहां लगभग 40 वर्षों से निवास कर रहे हैं और आज मुख्य भूस्वामी द्वारा वादा खिलाफी करते हुए यह कृत्य किया जा रहा है। और यह भी समझ में आया कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा प्रेषित किया गया नक्शा प्रमाणित ही नहीं है, जिससे क्षेत्रवासियों की चिंता और बढ़ गई है। हमारे पिताजी ने जब यहाँ जमीन आज से 40 साल पहले खरीदी थी, तो उस टाइम में हमें ये बताया गया था कि आपके घर के सामने गार्डन है और प्राइमरी स्कूल रहेगा। आज स्थिति यह है कि इस जमीन को भूमाफियाओं के द्वारा बिक्री करने का प्रयास चल रहा है और जो घेरा लोगों ने करवाया था वो कुछ तो मौसम की मार के कारण गिर गया और कुछ उन लोगों ने जेसीबी से गिरवा दिया है। अब यहाँ हमारे बच्चे खेलने आने से भी डरते हैं। प्रशासन से, मीडिया से निवेदन है कि ये इसकी यथास्थिति बरकरार रखने में हमारी मदद करें और जल्द से जल्द नगर निगम से अपेक्षा करते हैं कि यहाँ झूले और गार्डनिंग वगैरह का काम शुरू करें। जिससे कि एक बात और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 1 किलोमीटर तक कोई पार्क नहीं है। यहाँ पे सिर्फ विवेकानंद नगर के ही नहीं बल्कि इंद्रावती नगर तक के, हाउसिंग बोर्ड तक के लोग यहाँ पे आते हैं। तो मेरा निवेदन है कि इसको प्रशासन ध्यान दे इस तरफ और यहाँ की शांति भंग होने से बचाए। जी, ये ज़मीन जो है यहाँ पे खाली नहीं था, ये बाउंड्री वॉल बनी हुई थी क्योंकि यहाँ पे बच्चे खेलते थे और ये एक मतलब प्लेस रखा गया था कि एक मंदिर और एक प्राइमरी स्कूल के लिए ये ज़मीन और गार्डन के लिए ये ज़मीन मतलब इस्तेमाल हो। अभी क्या हो रहा है? अभी सर यहाँ पे प्लॉटिंग हो रहा है सर। बच्चे जो खेलते थे, हम लोग जो सफाई किए थे, अभी बच्चे खेल भी नहीं पाते हैं क्योंकि यहाँ पूरा वो पूरा ज़मीन को खुदवा दिए हैं सर। ऐसा कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? सर ये तो मुझे इतने अच्छे से नहीं पता है कि कौन कर रहा है, लेकिन वो प्लॉटिंग हो रही है, जमीन बिक रही है, पता नहीं, यही पता चला है अभी तक। क्या दिक्कत होगी इससे आप लोग? जी हमारे बच्चे कहाँ खेलेंगे, पूरा तो रोड है सर। तो ये विवेकानंद नगर में क्या इसके अलावा कोई भी पार्क, कोई भी वो नहीं है? सर लेकिन बहुत दूर है, बच्चे उतना दूर जाएंगे, आएंगे तो थक जाएंगे, खेलेंगे क्या? बहुत बड़ी है ये जो जमीन है, इसको पार्क के लिए ही आरक्षित रखा गया था। जी 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 जी, नक्शे में वही है। क्या चाह रहे हैं? जी पार्क बने और बच्चों के खेलने की जगह बने। मैं विवेकानंद कॉलोनी में पिछले 6 वर्षों से यहाँ निवास कर रहा हूँ। यहाँ पे जो भी जमीन, जो मतलब जिन लोगों ने प्लाट काट करके बेचा था, उन्होंने ये बताया था कि इसके लिए हम ये पार्क के लिए और क्या बोलते हैं मंदिर स्कूल के लिए हम ये जगह छोड़ रहे हैं। उसके बाद भी देख रहे हैं कि हम भूमाफिया इस एरिया पे सक्रिय हो गए हैं और इस ज़मीन को लगातार कब्जा करके बेचने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग यही चाहते हैं नगर निगम से जितनी जल्दी हो सके यहाँ पार्क का निर्माण हो और यह जगह खाली रहे जिससे हमारे बच्चे, बाल बच्चे खेल सकें। हम लोग ज़मीन इसीलिए लिए थे कि यहाँ पार्क बनेगा, लेकिन हमारे सामने पार्क बनने का ये नहीं दिख रहा था, तो फिर से कोशिश जारी है कि यहाँ पार्क बनाया जाए। और हम लोग प्रशासन से यही निवेदन करेंगे कि एक इसको एक रूप दिया जाए पार्क का, कि थोड़ा झूला वूला डाल दें या बेंच वगैरह डाल दें, कुछ व्यवस्था कर दें। अभी यहाँ क्या हो रहा है? अभी यहाँ पर तो प्लॉटिंग चल रहा है ऐसे सुनने में आया है, और क्या बेचने की बात हो रही है, तो पार्क फिर नहीं बनेगा तो बच्चे कहाँ खेलेंगे? तो बच्चों को खेलने के लिए एक जगह होना चाहिए, जबकि मैप में है पार्क की जगह, उसी के लिए हम लोग
ये कर रहे हैं कि पार्क यहाँ होना चाहिए। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए वार्ड पार्षद और नगर पालिक निगम भिलाई के सभापति गिरिवर बंटी साहू ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, जो वादा मुख्य भूस्वामी द्वारा किया गया है उसे उन्हें निभाना ही पड़ेगा और शासन प्रशासन द्वारा इसकी जांच पड़ताल करके उचित कार्रवाई भी की जाएगी। ये चल रहा है और इसका शायद मोहल्लेवासी ने भी इसको संज्ञान में लेते हुए लगाया है, लेकिन 15 साल से अभी तक उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुआ था और मैं अभी कुछ ही दिन में उसको संज्ञान में लेते हुए नगर निगम के अधिकारी और जो भी अधिकारी है उसको निर्देशित किया और उसको काम को रोकवाया हूँ। अगर वो ज़मीन अगर लेआउट और जो पेपर है उसमें अगर ग्राउंड या स्कूल दिखा रहे हैं तो इसे कोई ना बेच सकते ना बेचने का हम देंगे। इस प्रकार के मामले पहले भी कई देखने और सुनने को मिले हैं, जहां बड़े बड़े भूमाफिया अपनी चालाकियों से भोले भाले लोगों को ठग लिया करते हैं और कई बार तो एक ही जमीन को कई लोगों को बेच दिया करते हैं। देखना होगा कि इस मामले में विवेकानंद नगर वासियों की जीत होती है या फिर एक बार भूमाफिया अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।